जी सो यस्टरडे वी डिड टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स, एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात आई थी, और आइडियल जो टाइप्स हैं हमने वो देखा था, जिनके साथ आप कहते उनकी यूजेबिलिटी को चेक कर सकते हो। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट मॉडल्स। तो मॉडल्स एंड थ्योरीज आर ब्रॉडर देन कॉन्सेप्ट्स, दे कंप्राइज अ रेंज ऑफ आइडियाज रादर देन अ सिंगल आइडिया। जबकि कॉन्सेप्ट आप कल देख रहे थे एक एक आइडिया बेस्ड भी हो सकता है, जबकि मॉडल और थ्योरीज जो है उनसे ज्यादा ब्रॉड होते हैं। अ मॉडल इज यूजुअली थॉट ऑफ एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यूजुअली ऑन अ स्मॉलर स्केल, एज इन द केस ऑफ अ डॉल्स हाउस और अ टॉय एरोप्लेन। पर वही है ना, डॉल्स हाउस दो चीजें, तो कॉन्सेप्ट से तो बड़ा हो गया। कॉन्सेप्ट तो अब याद करो, हम बात कर रहे थे कैट एज अ कैट, पर अगर आप उस कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ टॉकिंग कैट की बात कर रहे थे, वो आप कैट के सिर्फ एक एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हो, रादर देन टॉकिंग अबाउट कैट एज अ कॉन्सेप्ट। फिर उसका कलर भी है, उसका फर भी है, उसकी प्रॉपर्टी भी है, वो वगैरह वगैरह। मॉडल ऑन द अदर हैंड नाम से ही क्लियर है, डॉल्स हाउस, डॉल अलग कॉन्सेप्ट है, हाउस अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे आगे लिखा टॉय एरोप्लेन, एरोप्लेन अलग कॉन्सेप्ट है, टॉय अलग कॉन्सेप्ट है, पर कॉन्सेप्ट से बड़ा वी कॉल इट अ मॉडल। तो इन दिस सेंस अगर हम देखें, द पर्पस ऑफ द मॉडल इज टू रिजेंबल द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज फेथफुली एज पॉसिबल। हाउ एवर, कंसेप्चुअल मॉडल्स नीड नॉट इन एनी वे रिजेंबल एन ऑब्जेक्ट। कि कंसेप्चुअल मॉडल को ऑब्जेक्ट की रिजेंबलेंस की जरूरत नहीं होती, अगर आप ये एंश्योर कर लेते हो कि जो मॉडल हमने बनाया है अगर वही आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जैसा है तो। और इसका मतलब यहाँ पॉलिटिकल साइंस में आप कह सकते हो, जितना ज्यादा आप कहोगे हमारा जो बिहेवियरल कॉन्सेप्ट है, हमारा जितनी भी कहते कोई भी आइडियोलॉजी है, बायस नहीं होना चाहिए। जितनी ज्यादा यूजफुलनेस आप मेंटेन कर सकते हो आइडियल टाइप से, उतना कर लो आप। वरना कहते कहीं ना कहीं देखो पूरी तरह से संभव तो वैसे ही नहीं है कि आप ये कहें कि कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस वाला अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को यूज करके कोई बायस नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं होता। देयर विल बी सम काइंड ऑफ बायस, कोई प्रेफरेंस, कोई और पर्सनल इंटेग्रिटी कुछ तो रहेगा, पर वही है, द मोर यू कैन रिजेंबल इट द मोर बेटर इट इज, तभी उन्होंने लिखा एज पॉसिबल। पर कहते इट वुड बी एब्सर्ड, ये एब्सर्ड होगा कहना फॉर इंस्टांस टू इंसिस्ट दैट अ कंप्यूटर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी शुड बियर अ फिजिकल रिजेम्बलेंस टू द इकोनॉमी इटसेल्फ। सो रादर कंसेप्चुअल मॉडल्स आर एनालिटिकल टूल्स, देयर वैल्यू इज दैट दे आर डिवाइसेस थ्रू विच मीनिंग कैन बी इम्पोज्ड ऑन व्हाट वुड अदरवाइज बी अ बिविल्डरिंग एंड डिसऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो आपके लिए कंसेप्चुअल मॉडल जो है एक एनालिटिकल टूल का काम करता है, जो आप क्लियर रिजेम्बलेंस नहीं दिखा रहे होते, बस आप एक कंपैरेटिव आइडियल टाइप की तरह यूज करते हो। अगर ये ना होता तो शायद क्या होता, तो मतलब बिविल्डरिंग टाइप जो आपकी दिखती वो कैसी दिखती, जिसमें कोई फैक्ट्स का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ना होती। तो सिंपल पॉइंट जो आ रहा है वो यही है कि फैक्ट्स डू नॉट स्पीक फॉर themselves, बल्कि उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है, एंड दे मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। सो मॉडल्स असिस्ट इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस टास्क बिकॉज दे इंक्लूड अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स दैट हाईलाइट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेलेवेंट एम्पिरिकल डेटा। कितनी बेहतरीन लाइन उन्होंने लिखी है। मॉडल्स कहते ऐसे में हमारी मदद करते हैं इस फैक्ट की इंटरप्रिटेशन के टास्क में, क्योंकि उनमें ऐसा एक रिलेशनशिप का नेटवर्क है जो मीनिंग हाईलाइट करता है और सिग्निफिकेंस को भी बताता है उस डेटा का। और मॉडल हेल्प तब करता है जब आपके माइंड में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बेस्ड अपॉन किसी पर्सनल बायस पे है, फिर तो जो कंसेप्चुअल मॉडल आपने बनाया है वो खुद भी बायस्ड। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट आपका जितना ज्यादा सिक्योर हो सकता है पहले वो हो, फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेस्ड मॉडल है वो, तब जाके बात बनती है। आगे लिखा भी उन्होंने, द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे कि
One of the most influential models in political analysis is the model of the political system developed by David Aston, and this can be represented diagrammatically as well. ये जो मॉडल की बात कर रहे हैं वो बिहेवियरलिज्म ही। तो जैसे फिगर 1.4 में आप देखो, इनके अकॉर्डिंग जरा ध्यान से देखिए, हमारे दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक है लोग, एक है सरकार। बहुत पहले एक हमने बात पढ़ी थी, पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ये उसका डायग्राम है, ये उसकी एप्लीकेशन है। अथॉरिटेटिव बाय गवर्नमेंट, और वो अथॉरिटी भी तब जब पहले आपने अपने नेचुरल राइट्स में से कुछ राइट्स को सैक्रिफाइस करके उनको पावर में आने दिया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट, वैल्यूज जो हमारे कुछ स्तंभ है जिनको मेंटेन करके रखना है, जिनको बाद में चल के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा ये तो एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट्स है, तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा लोग देते हैं अपने इनपुट, इनपुट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वोट, इनपुट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन, इनपुट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। गेट कीपर्स जो हैं आपके, यहां पे गेट कीपर्स का मतलब है सरकार जो परसीव करती है लोगों के उस इनपुट के बाद, वो इनपुट पहुंचता है सरकार तक और सरकार उस इनपुट को प्रोसेस करके आपको पहुंचाती है आउटपुट, ईदर इन द फॉर्म ऑफ न्यू पॉलिसी और इन द फॉर्म ऑफ सप्रेशन। अगर उन्हें लगता है कि व्हाट इनपुट यू आर गिविंग इज नॉट रिलायबल, फिर वो सप्रेस करते हैं। अगर उन्हें लगता है इनपुट जेन्युइन है, तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के तहत दे रिटर्न बैक इन द फॉर्म ऑफ न्यू पॉलिसीज। ऐसे चलता है आपका मॉडल। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें, जो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि बेस्ट मॉडल, अगर बेस्ट कंसेप्चुअल मॉडल किसी ने बनाया है पॉलिटिकल एनालिसिस को समझने के लिए, तो वो डेविड एस्टन का है। विल सी दैट। This ambitious model sets out to explain the entire political process as well as the function of major political actors, दो ही हैं यहाँ पे तो, through the application of what is called systems analysis, ये नाम है इसके मॉडल का so called, systems analysis, और यहाँ पे system का मतलब है जो लोग हैं वो एक system है, जो सरकार है वो दूसरा system। उन दोनों के बीच में जो होने वाले इंटरेक्शन है वो है आपकी इंटरेक्शन, और जो फैक्ट है उन फैक्ट को इंटरप्रेट करना ही हमारा एनालिसिस है। सो अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स होल, अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स दैट फॉर्म ए कलेक्टिव एंटिटी। वेल इन द केस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम अ लिंकेज एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट एस्टन कॉल्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स। So inputs into the political system consist of demands and supports from the general public, जब वो मांग करती है, बता दिया आपको, in the form of opinion, and demands can range from pressure for higher living standards या improved employment prospects and more generous welfare payments to greater protection for minority and individual rights। कुछ भी input हो सकता है। Supports on the other hand are ways in which the public contributes to the political system by paying taxes, offering compliance and being willing to participate in public life। तो ये तो लोगों की तरफ से है, एक सिस्टम की तरफ से। आउटपुट जो आता है, आउटपुट्स कंसिस्ट ऑफ द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, या तो मेकिंग ऑफ पॉलिसी, पासिंग ऑफ लॉज, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड द एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। So clearly, these outputs generate feedback, which in turn shapes further demands and supports. तो सरकार आउटपुट देती है, फीडबैक आता है, उस फीडबैक को लोग प्रोसेस करके अपनी मांगे फिर और करते हैं। The key insight offered by Aston's model is that the political system tends towards long-term equilibrium or political stability, as its survival depends on outputs being brought into line with inputs। रूसो का कहना कि आपके डिमांड और आपके सपोर्ट के बाद अगर सरकार का आउटपुट आपके अकॉर्डिंग है तो आप कंप्लायंस उसको दोगे, अदरवाइज फिर कहते हैं आपके पास ये पावर है दैट यू कैन टॉपल द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब बनेगी कि नहीं बनेगी, वो डेविड एस्टन के मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है कि सरकार के आउटपुट के सामने लोगों का फीडबैक क्या है। If that is again violent and if that is again chaotic, then obviously the government system is in threat।
नहीं तो दैट्स फाइन. तो दिस कलेक्टिव मॉडल, दिस मॉडल एंड दिस कंसेप्चुअल मॉडल वी कैन कॉल बेसिकली सिस्टम्स एनालिसिस. So, however, it is vital here to remember that conceptual models are at best simplifications of the reality they seek to explain. Well, they are merely devices for drawing out understanding, jabki they are not reliable knowledge. Ye to ek political activity ko bayan karne ka tarika hai kehte. Well, in the case of Aston's model, agar dekhen, for example, political parties and interest groups are portrayed as gatekeepers, the central function of which is to regulate the flow of inputs into the political system. कि सरकार लोगों की information को कैसे perceive करती है. Although this may be one of their significant functions, parties and interest groups also manage public perceptions and thereby help to shape the nature of public demands. क्योंकि in short, these are more interesting and more complex institutions in reality than the systems model suggests. So in the same way, Aston's model is more effective in explaining how and why political systems respond to popular pressures than it is in explaining why they employ repression and coercion as to some degree all do. ये नहीं बता पाए. ये तो बता दिया कि चलो अगर एक स्मूथ फ्लो चलता रहे इनपुट्स के बाद आउटपुट्स का, ये तो सही है, पर ये नहीं बता पाए सरकार रिप्रेशन और कोएर्जन कब करती है. आप वैसे तो जानते हो जब उनको पता चलता है बेसिकली कि वो जो हमारी इनपुट्स हैं वो रिलायबल नहीं होते तो सरकार सप्रेस कर देती है, पर क्यों करती है सिस्टम्स एनालिसिस बता नहीं पाया. उसके लिए आपको एक और मॉडल की, एक अलग थ्योरी की जरूरत है. लेट्स सी. तो कॉन्सेप्ट हो गया भाई, मॉडल हो गया, जो कि कॉन्सेप्ट की एक बड़ी बात है. जैसे लिखा आपने डॉल्स हाउस, इन कंपैरेटिव टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एक डॉल था, मॉडल एक डॉल्स हाउस हो गया. अब थ्योरी उससे भी बड़ी है. पर वैसे कई बार कहते हैं, ये बोला जाता है कि थ्योरी और मॉडल जो है वो ज्यादातर इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग बातें. पर फिर भी उन्होंने एक बात जरूर बताई है कॉमन, थ्योरी हो या मॉडल हो, है दोनों कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट यूज्ड एज टूल्स ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस. हाँ, वो अलग बात है, जैसे सिस्टम्स एनालिसिस के मॉडल ने एक बात तो एक्सप्लेन कर दी, अब दूसरी नहीं कर पाया. सो यू रिक्वायर ईदर अ न्यू कंसेप्चुअल मॉडल और यू रिक्वायर अ न्यू थ्योरी. हाउएवर, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अ थ्योरी इज अ प्रोपोजिशन. वेल, इट ऑफर्स अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ एम्पिरिकल डेटा. जबकि इन कंट्रास्ट, अ मॉडल इज मियरली an explanatory device, it is more like a hypothesis that has yet to be tested. पर जब कहते test हो जाती है और जो analysis निकल के आता है उसको कहते हैं आप theory कह सकते हो. Well, in that sense, अगर हम देखें in politics, while theories can be said to be more or less true, models can only be said to be more or less useful. क्योंकि वो तो एक data है, वो तो एक डिवाइस है. तो मॉडल की बात हम यूजफुलनेस से कर सकते हैं, थ्योरी की बात हम ट्रू और रॉन्ग से कर सकते हैं. कि जो डेटा यूजफुल था, क्या उस यूजफुल डेटा को यूज करके जो थ्योरी निकल के आई है क्या वो सही, क्या जो एनालिसिस हुआ है वो सही है. पर मॉडल्स के केसेस में आप यही कहोगे, नहीं यार, जो ये डेटा निकल के आता है वो तो यूजफुल है ही नहीं, वो हमारे काम का नहीं. तो जब डेटा ही गलत है तो फिर थ्योरी सही कैसे हो सकती है. और अगर डेटा सही है, मतलब मॉडल अच्छा है, तो फिर जो थ्योरी निकल के आएगी वो थ्योरी भी एप्रोप्रिएट होगी. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. तो क्लियरली यहां पे कह सकते हो आप, हाउएवर, थ्योरीज एंड मॉडल्स आर ऑफ्टन इंटरलिंक्ड. बात तो सही है, क्योंकि एक ने डेटा देना है और एक ने एक्सप्लेन करना है. ब्रॉड पॉलिटिकल थ्योरीज मे बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ सीरीज ऑफ मॉडल्स. फॉर एग्जाम्पल, द थ्योरी ऑफ प्लूरलिज्म जो आगे आएगी, इनकम्पासेस अ मॉडल ऑफ द स्टेट, a model of electoral competition, a model of group politics and so on. क्योंकि इतने सारे models में से use किया गया data, उसको सही तरीके से जब आपने analyze किया, तभी आपकी एक theory बनती है, and we call it pluralism. तो बात कुछ ऐसी है, concept give rise to a model and models enable the formation of theories. Without a good model, there can be no theory. Because a theory is nothing but the analysis of the data that is being presented in the model. And there can be no model if there is no concept.
तभी उन्होंने लिखा था कॉन्सेप्ट्स मॉडल्स एंड थ्योरीज. सो लेट्स सी. However, virtually all conceptual devices, theories and models contain hidden values or implicit assumptions. चाहे जितना मर्जी कहते हैं आप ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कर लें, पर सॉरी कहीं ना कहीं कोई assumption जरूर रहेगी. And this is why it is difficult to construct theories that are purely empirical. Values and normative beliefs invariably intrude somehow. But in the case of concepts, this is demonstrated by people's tendency to use terms as either hurrah words या फिर boo words, जैसे democracy के लिए, freedom के लिए, justice के लिए. और boo words ज्यादातर आप use करते हो conflict के लिए, anarchy के लिए, ideologies के लिए and even politics के लिए. यह आपका hidden bias ही तो है कि politics is a bad word in comparative to democracy. ये जो एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एक हिडन बायस है, ये वही बात कर रहे हैं. आप जितना मर्जी इसको एम्पिरिकल बनाने की कोशिश करो, देयर विल बी सम काइंड ऑफ नॉर्मेटिव बिलीफ हिडन. द मॉडल्स एंड थ्योरीज आर आल्सो लोडेड इन द सेंस दैट दे कंटेन अ रेंज ऑफ बायसेस, उनमें भी रहता है. हाँ, मुश्किल है. इट्स डिफिकल्ट फॉर एग्जाम्पल टू एक्सेप्ट द क्लेम that rational choice theories are value neutral. पूरी तरह से जो कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, ये कहते थोड़ा मुश्किल है अगर आप कहो कि हाँ जी rational choice theories जो हैं वो पूरी तरह से descriptive हैं. So as they are based on the assumption that human beings are basically egoistical and self-regarding, जिसके basis के ऊपर वो theory based थी, it is perhaps not surprising that they have often pointed to policy conclusions that are politically conservative and include values. Well, in the same way, class theories of politics advanced by Marxists are based on broader theories about history and society, and indeed, they ultimately rest on the validity of an entire social philosophy. Unki khud ki puri theory bhi ek assumption ke upar based hai, and that assumption is what they call historical materialism. So that is what they are trying to say, कि चाहे concept हो, चाहे model हो, चाहे आपके theories हो, the more you try to make them objective, कहीं ना कहीं वो bias, कहीं ना कहीं वो value, कहीं ना कहीं वो normative belief आ जाता. So there is therefore a sense in which analytical devices, जैसे कि models and micro theories, are constructed on the basis of broader macro theories. So these major theoretical tools of political analysis are those that address the issues of power and the role of the state, jaise pluralism, jaise elitism, jaise class analysis and so on. So these theories will be dealt in chapters 4 and 5, and at a still deeper level agar dekhen. However, many of these macro theories reflect the assumptions and beliefs of one और अदर ऑफ द मेजर आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशन. तो बात सही है अभी भी इनकी, कहीं ना कहीं कहते हैं इनमें भी assumption या belief पाया ही जाता है किसी ना किसी आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशन का. जैसे कि दीज ट्रेडिशंस ऑपरेट इन अ सिमिलर वे टू द पैराडिग्म्स टू विच थॉमस कुहन रेफर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. मतलब उसने इस बात को बिलीव नहीं कहा, उसने इस बात को assumption नहीं कहा. थॉमस कुहन ने अपनी एक सो कॉल्ड किताब में लिखा कि भैया ये पैराडिगम्स हैं जिनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है अपनी सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव थ्योरी देने के लिए डिपेंड करता ही करता है. उसने जो डिफाइन किया है वो जरा देखिए. अ पैराडिगम इज अ रिलेटेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्राइन्स एंड थ्योरीज दैट हेल्प्स टू स्ट्रक्चर द प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी. कितनी बेहतरीन बात उन्होंने लिखी है. उनके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि पैराडिग्म तो खुद एक रिलेटेड सेट है प्रिंसिपल्स का, डॉक्ट्राइन्स का या थ्योरीज का, जो कि इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी के प्रोसेस को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है. वेल, इन इफेक्ट अगर कहें, अ पैराडिग्म कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्रेमवर्क विद इन विच द सर्च फॉर नॉलेज इज कंडक्टेड. ये मुझे कहना चाहिए विद इन विच द सर्च फॉर impartial inquiry इज कंडक्टेड. इकोनॉमिक्स में कहें तो दिस कैन बी सीन इन द रिप्लेसमेंट ऑफ Keynesianism बाय मॉनिटरिज्म, या आप कह सकते हो कि मतलब नियो Keynesianism, दोबारा वापस आ गया.
और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में इट इज शोन इन द राइज ऑफ ग्रीन आइडियाज. तो पैराडिगम अपने आप में ही कहते जी एक प्रिंसिपल्स है, एक डॉक्ट्राइन है या थ्योरीज का सेट है जो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी के प्रोसेस के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है. इसे साइड में दिया उन्होंने थोड़ा सा पैराडिगम के बारे में बात, पहले देख लेते हैं. कहते हैं कि अ पैराडिगम इज इन अ जनरल सेंस अ पैटर्न, या कोई मॉडल हो सकता है. अब मॉडल हो सकता है तो मतलब अपनी तरफ से तो वो कंसेप्चुअल मॉडल ही बता रहे हैं. दैट हाइलाइट्स क्या रेलेवेंट फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना, जो आगे हेल्प करेगा थ्योरी को बनाने में. और कुहन ने इसको यूज किया. हाउएवर इट रेफर्स टू एन इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क, एक ऐसा मॉडल है अपने आप में, एक ऐसा पैराडिगम है, एक ऐसा रेलेवेंट सेट है आइडियाज का, प्रिंसिपल्स का, डॉक्ट्राइन्स का, जिसमें कंप्राइजिंग इंटररिलेटेड वैल्यूज हैं, थ्योरीज हैं, अजम्पशंस हैं, विद इन विच जिसके अंदर सर्च फॉर नॉलेज इज कंडक्टेड. नॉर्मल साइंस इज देयर फॉर कंडक्टेड विद इन द एस्टैब्लिश्ड पैराडिगम, जबकि रेवोल्यूशनरी साइंस अटेम्प्ट्स टू रिप्लेस एन ओल्ड पैराडिगम विद अ न्यू वन. And the radical implication of this theory is that कि truth and falsehood are only provisional judgments. वो तो ये तक कह रहे हैं, as per their paradigm, there is no such thing called truth and there is no such thing called falsehood. क्योंकि उनके according they are of the opinion, उनके मतलब as per Kuhn basically, उन्हें लगता है कि आप किसी चीज को जब truth कहते हो तो आप भी तो अपने दिमाग में उस चीज को प्रोसेस करके जिसको ट्रुथ कह रहे हो, आपके भी तो दिमाग में कहते हैं एक पैराडिगम सेट है, अ सेट ऑफ डॉक्ट्राइन्स, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, अ सेट ऑफ थ्योरीज, जिनके जिनको प्रोसेस करके आप उस बात को सही कह रहे हो, एज पर दी अदर पीपल जो उस बात को प्रोसेस करके फॉल्सहुड कह रहे हैं. बात समझ आ रही? सो दे रीच द कंक्लूजन बेसिकली कि भैया ट्रूथ है या फॉल्सहुड है ये सिर्फ प्रोविजनल जजमेंट है, डिपेंड करता है पैराडिगम के ऊपर, कौन बंदा किस पैराडिगम को यूज कर रहा है. फिर इनके अकॉर्डिंग एम्पिरिकल साइंसेस क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू कुहन द नेचुरल साइंसेस आर डोमिनेटेड एट एनी टाइम बाय अ सिंगल पैराडिगम. जैसे साइंस डिवेलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस इन विच एन ओल्ड पैराडिगम इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन. पर परमानेंट तो नहीं है ना, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज आपके पहली हुई थी वो खुद ही रिप्लेस करके खुद को रिप्लेस कर रही. सो दैट्स अ रेवोल्यूशनरी पैराडिगम. पॉलिटिकल एंड सोशल इंक्वायरी दूसरी तरफ कहते थोड़ी सी अलग है. कैसे? इन दैट इट इज अ बैटल ग्राउंड ऑफ कंटेंडिंग एंड कंपीटिंग पैराडिगम्स कंसिस्टेंटली, एंड दीज पैराडिगम्स टेक द फॉर्म ऑफ ब्रॉड सोशल फिलोसफीज यूजली कॉल्ड पोलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिनमें लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म है, फासिज्म है, फेमिनिज्म है, एंड सो ऑन. अब आप ये तो नहीं कह सकते ना दुनिया में सोशलिज्म है ही नहीं, ना आप ये कह सकते कि दुनिया में कम्युनिज्म नहीं है, ना ये कह सकते दुनिया में फासिज्म नहीं है. बस मसला क्या है, थोड़ी सी आइडियोलॉजी या कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थोड़ी ज्यादा प्रिवेल कर रही है इन कंपैरेटिव टू कुछ के, सिर्फ ये बात. जबकि साइंस में, नेचुरल साइंसेस में ऐसा नहीं होता. नेचुरल साइंस में अगर आपने पुराने पैराडिगम को यह सिद्ध कर दिया कि दैट वाज नॉट रेलेवेंट, फिर वो बातें आपकी किताबों में से चली जाती. पर सोशल साइंसेस में ऐसा नहीं है. हमें पता है फासिज्म बुरी है, मैं फिर बुरा कह रहा हूं. क्यों? हम अपने पैराडिगम पे मान के चल रहे हैं कि फासिज्म में डेमोक्रेसी नहीं होता, फासिज्म में जस्टिस नहीं होता. एक पोलिटिकल एनालिस्ट ये कहता है कि जिनके बातों में तो बोल रहे हैं ये नहीं होता, उसकी तो डेफिनेशन ही नहीं. फॉर दैट पर्सन वो बोलेगा कि पोलिटिकल जो जस्टिस है या फिर जो थ्योरी है या जो इक्वालिटी है उसका, वो तो एक एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट. बात समझ आ रही? इन पोलिटिकल एंड इन सोशल साइंसेस रेवोल्यूशनरी पैराडिग्म फॉलो ही नहीं होता, क्योंकि एक चीज रिप्लेस की ही नहीं जाती वो, बल्कि इंटरेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट के जरिए बनती रहती है. हाँ, दैट डिपेंड्स अपॉन द पीपल कि जब ज्यादा लोग किसी आइडियोलॉजी को मानने लग जाते हैं तो उसका बोलबाला बढ़ जाता है इन कंपैरेटिव टू द अदर वन, ऐसा रहता है. तो आगे लिखते हैं कि ईच, कोई भी लगा लो आप, ईच प्रेजेंट्स इट्स ऑन अकाउंट ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस, ईच ऑफर्स अ पर्टिकुलर व्यू ऑफ द वर्ल्ड,
and to portray these ideologies as theoretical paradigms is not, of course, to say that most, if not all, political analysis is narrowly ideological here, in the sense that it advances the interest of a particular group or class. आप इसे पूरी तरह से applicable बता ही नहीं सकते. So rather, it merely acknowledges that political analysis is usually carried out on the basis of a particular ideological tradition. इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. So much of the academic political science, for example, has been constructed according to liberal rationalist assumptions and thus bears the imprint of its liberal heritage. स्वाभाविक बात है, अगर आप यही पूरी political science एक communistic assumption के according लिखी जाती तो उसमें liberal heritage थोड़ी मिलती. उसमें जो ज्यादातर बातें हैं वो anti-liberalism होती. आज जहां पे ज्यादा बातें आपकी pro-liberalism हो रही है. क्यों? क्योंकि जिन वेस्टर्न साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया है वो अपने लिबरल रैशनलिस्ट एजम्पशंस को पैराडिगम मान के किया है, इन कंपैरेटिव टू सोशलिज्म या इन कंपैरेटिव टू कम्युनिज्म, जहां पे लोगों ने अपने आइडियोलॉजीज को लिबरल रैशनलिस्ट एजम्पशन नहीं माना, उन्होंने तो बल्कि उसको एज अ क्रिटिक दिया है. और कम्युनिज्म में आप देखो बातें एंटी कैपिटलिज्म है, बातें प्रो नहीं है. एंड यू टॉक अबाउट कैपिटलिज्म, यू टॉक अबाउट एडम स्मिथ, वो लोग कैपिटलिज्म को प्रो मान रहे हैं. क्यों? उसका पैराडिग्म कुछ और है, वो मान के चल रहा है मर्सेंटलिज्म इज द गुड वे. मार्क्स मान के चल रहे हैं कि भैया प्रोलेटेरियट जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है बर्जुआ के द्वारा, उसका पैराडिग्म अलग है, उसका पैराडिग्म अलग है. दोनों में से कहीं कि जी पोलिटिकल न्यूट्रल कौन सी है? कोई भी नहीं. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. तो ऐसे में वेरियस लेवल्स ऑफ कंसेप्चुअल एनालिसिस आर शोन डायग्रामेटिकली इन फिगर 1.5. ये आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट्स के नाम पे कहते पावर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, सोशल क्लास एक कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट है, लॉ कॉन्सेप्ट है. इन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मॉडल बने हैं, जिन्हें आप कंसेप्चुअल मॉडल या माइक्रो थ्योरीज भी कह सकते हो, जैसे कि सिस्टम्स एनालिसिस, पब्लिक चॉइस थ्योरी जो आपने पढ़ ली, गेम थ्योरी वो भी पढ़ ली, उन्हीं मॉडल्स के ऊपर फिर कुछ थ्योरीज बनी है, जैसे प्लूरलिज्म या फंक्शनलिज्म या एलिटिज्म, और फिर कुछ आइडियोलॉजिकल ट्रेडिशंस भी बना दिए लोगों ने इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए. एंड दे कॉल्ड इट लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म, जिनको लोग आप पोलिटिकल आइडियोलॉजीज कह रहे हैं. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. तो ये चीज है आपकी पूरी की पूरी, जहां से हमने टॉपिक शुरू किया था, पूरा एक बड़ा टॉपिक था कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स एंड थ्योरीज का. फिर उससे पहले हमने बात जो की थी दैट वाज एम्पिरिकल ट्रेडिशन, और उससे भी पहले स्टडिंग पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए तीन चार बातें उन्होंने बताई थी. अप्रोच क्या है, अप्रोच के नाम पर दो अप्रोचेज आपने देखी, फिर उसके बाद में इन दोनों अप्रोचेज में जो जो इनके टूल्स आते हैं वो आपने देखे. फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, सॉरी कुछ मॉडल्स हैं या कुछ थ्योरीज हैं, फिर उनको आपने देखा. सो दैट कि आप पॉलिटिक्स को पढ़ पाओ, स्टडिंग पॉलिटिक्स. अब जो बात है वो पॉलिटिक्स इन अ ग्लोबल एज है, सो दैट विल सी ऑफ कोर्स लेटर कि क्या चीज है उसके अंदर, कैसे डिवाइड है. जैसे इन्होंने आगे जो हम देखेंगे टॉपिक जो उन्होंने लिखा है कि बियॉन्ड द डोमेस्टिक ऑब्लिक इंटरनेशनल डिवाइड, आप जो फॉलो कर रहे हो और एक्चुअली में जो चल रहा है, उन दोनों के बीच में डिवाइड क्या है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को या पॉलिटिकल थ्योरीज को और भी ज्यादा बेटर चर्न करने का मौका देगा. तो विल सी दैट.